हेलो एंड वेलकम टू कामयाब जिंदगी चैनल। दोस्तों कामयाब जिंदगी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने अंधाधुन पिक्चर देखी है। अगर आपने अंधाधुन पिक्चर नहीं देखी है तो फिर आपको जो है इस कहानी की डिस्कशन जो है एंडिंग को लेकर जो डिस्कशन है वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए बेहतर है कि आप इस फिल्म को देखिए क्योंकि ये फिल्म बहुत ही अच्छी थ्रिलर पिक्चर है। इस फिल्म को देखने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया, और अगर आप नहीं देखेंगे तो आप एक अच्छी फिल्म मिस करने जा रहे हैं क्योंकि इस फिल्म ने धीरे धीरे करके अपनी रफ्तार बनाई है और मजबूत पकड़ बनाने के साथ साथ अभी बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल कर रही है। और यह फिल्म दोस्तों माउथ पब्लिसिटी के कारण अब ज्यादा हिट हो रही है। पहले 4 दिनों में इस फिल्म को लोगों ने पसंद नहीं किया था, लोगों के बीच अच्छी रिस्पॉन्स नहीं आई थी, अच्छी रिपोर्ट नहीं आई थी, अच्छे रिव्यूज नहीं आए थे, तो लोगों ने इसे नहीं देखा था। लेकिन दोस्तों जनता जो होती है वो किसी फिल्म को हिट कराने के लिए काफी है। तो इस फिल्म में लोगों को जब फिल्म अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को बता रहे हैं इस फिल्म के बारे में, और लोग जो है अभी भर भर के थिएटर में जा रहे हैं लोग देखने के लिए। फिल्म वीकडेज हो वीकेंड्स हो, ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, सब दिन ही भीड़ चल रही है। तो दोस्तों फिल्म के रिव्यूज वगैरह को ना डिस्कस करते हुए हम फिल्म के सीधे मुद्दे पर आते हैं जहां पर फिल्म का अंत होता है। जो एंडिंग है लोगों के बीच में जो क्यूरियोसिटी के कारण बनी हुई है वो किस वजह से, क्योंकि अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि फिल्म के अंत में जो आयुष्मान खुराना है लंदन के कैफे से जब बाहर निकलते हैं राधिका आप्टे से बात करने के बाद, वो चलते आ रहे हैं और उनके सामने जो है एक कैन मिलता है, कैन पड़ा हुआ होता है रास्ते पर, और उसे वो शॉट लगाते हैं अपने ब्लाइंड स्टिक से और यहीं पर फिल्म खत्म जाती है, जो कि श्रीराम राघवन की एक बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर पिक्चर है। तो दोस्तों ये फिल्म जो खत्म होने के साथ साथ ही लोगों के दिलो दिमाग पर एक क्वेश्चन मार्क डाल देती है कि आयुष्मान खुराना की आंखें ठीक कब हुई, क्योंकि फिल्म जब से चल रही थी जब वहां पे जब आयुष्मान खुराना की आंखें बिल्कुल सही तरह से मतलब काम कर रही है उसके बाद उसकी आंखें खराब हो जाती है और फिर वो आंखें ठीक कब होती है यही फिल्म में लोगों को समझ में नहीं आया है। लोग जो है इस फिल्म को लेकर चर्चा कर रहे हैं, इसके कारण कई सारे थ्योरीज लोग निकाल रहे हैं कि इस फिल्म में उसकी आंखें ठीक कब हुई, फिल्म में क्या मतलब छोड़ दिया गया है, लोगों को पूरी भूख को नहीं मिटाया गया है, ऐसा एंडिंग रखा गया है जिसने लोगों के दिलो दिमाग पर एक क्वेश्चन छोड़ दिया है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस फिल्म का जो अंत है, इस फिल्म के अंत में एक्चुअल में क्या हुआ है और क्या छुपाया गया है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं फिल्म में वहां से बताता हूं, जब तब्बू को गाड़ी के डिक्की में डाल दिया गया है और उसके साथ जो डॉक्टर स्वामी यानी कि साकिर हुसैन है और साथ में आकाश बैठा हुआ है यानी आयुष्मान खुराना, दोनों आपस से बात कर रहे हैं कि उसने एक शेख से डील कर लिया है, तब्बू के सारे ऑर्गन जो है उससे बेच दिया जाएगा, उसके लीवर उसकी किडनी वगैरह को बेच दिया जाएगा और उसकी जो आंखें कॉर्निया है वो उसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा आयुष्मान खुराना को, तो उसकी आंखें जो है ठीक हो जाएगी। लेकिन आयुष्मान खुराना जो इसके लिए तैयार नहीं होता है, उसे गलत लगता है, तो यही उसके बीच में डिस्कशन चलते रहता है। तो क्या होता है में उसी समय जाकिर हुसैन जो है गाड़ी से उतरते हैं और डिक्की के पास जाते हैं उसे एक इंजेक्शन देने के लिए शायद, लेकिन वहां पर जो है तब्बू उसका मर्डर कर देती है। हो सकता है वो मर्डर नहीं दिखाया गया है कि उसके पास कोई जो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कोई सीजर वगैरह रहेगा वगैरह कोई ब्लेड वगैरह जिससे वो उसका मर्डर कर देती है। फिर वो आगे उसके साथ बैठ जाती है गाड़ी में और जिससे कि आयुष्मान खुराना उसे देख नहीं पाता है, तो उसे बात होती है कि वो उसे पैसे दे दे और बच जाए। तो यहाँ पर ये कहानी चलती रहती है, रास्ते में एक ऑटो ऑटो खड़ी रहती है, वो ऑटो को हम जानते हैं जिसके पीछे ऐश्वर्या राय की फोटो लगी है, तो उस ऐश्वर्या राय की फोटो को देखकर मतलब उसे अनुमान लगाकर यही बोलता है कि क्या इस ऑटो के पीछे ऐश्वर्या राय की फोटो लगी है, तो यहाँ पर उसे आश्चर्यचकित होकर जो है वो देखती है तब्बू, और यहाँ पर उसे बुलाते हैं और जो उस ऑटो में जो दो लोग रहते हैं मुरली और उसकी वाइफ वो आते हैं उसे पकड़ते हैं। यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है, इसके बाद हम दिखाते हैं सम इयर्स लेटर। तो ये चल रही थी कहानी हमारे साथ, लेकिन जब राधिका आप्टे को जब कहानी सुनाई जाती है तो वहां पर आयुष्मान खुराना उसकी एंडिंग कुछ और बताते हैं कि उन दोनों के बीच में बात होती रहती है और जो है आयुष्मान खुराना को वहां पे उतार देते हैं, तब्बू जो उतार देती है रास्ते में और वो जाने लगती है आगे, लेकिन वो कुछ सोचकर बदला लेने के हिसाब से वो रिवर्स करती है गाड़ी को, और जैसे रिवर्स करती रहती है तो एक खरगोश जो होता है वो खरगोश आकर उसकी गाड़ी पे जंप कर जाता है जिससे उसका डिसबैलेंस हो जाता है गाड़ी और वो गाड़ी जाके गिर जाती है और गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। और खरगोश की कहानी दोस्तों ये है कि खरगोश जो है फिल्म की बिगनिंग में दिखाई जाती है जिसके पीछे एक खेत का मालिक लगा हुआ है, कैबेज का जो खेत है जिसे बर्बाद कर रहा है खरगोश, उसे मारने के लिए वो पीछे पीछे उसके लगा रहता है। तो उस फिल्म की जो बिगनिंग है दोस्तों इसलिए मिस मत कीजिएगा, वरना फिल्म की बिगनिंग अगर मिस करेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि खरगोश अचानक से एंड में कहां से आ गया मतलब। तो उस खरगोश को वो निशाना मारता है और खरगोश जो उछल के जाकर गाड़ी से लगती है और गाड़ी जो है ब्लास्ट हो जाती है और तब्बू की कहानी का वही अंत जाता है, यह बताते हैं वो राधिका आप्टे को। और हमें जो दिखाया जाता है एक्चुअल में कि वहां पर फिर से तब्बू को किडनैप किया जाता है। तो दोस्तों ये कहानी जो बीच में घुमाया गया है इसमें हो सकता है कि
यहाँ पर कहानी की सच्चाई वो हो कि जो ऑटो में जो मुरली और उसकी वाइफ थे जो भी थे वो आकर तब्बू किडनैप करते हैं और वहां से उसकी आंखों का हो सकता है ट्रांसप्लांट कर लिया गया हो कि तब्बू की आंखें जो है कॉर्निया उसका ट्रांसप्लांट उसने कर लिया और अपनी आंखें ठीक कर ली हो, ये एक पॉसिबल कारण है। और जो उसने राधिका आपके को कहानी सुनाई है वो एक झूठ भी हो सकता है, या फिर ये भी मान सकते हैं कि जब अंत में जब वो बाहर बात कर रहे होते हैं तो वो अपना ब्लाइंड स्टिक जो है भूले रहते हैं, तो वेटर से अगर जो है वो देती है उसे उनका ब्लाइंड स्टिक, और उस ब्लाइंड स्टिक को आप जब गौर से देखेंगे तो उसमें एक खरगोश की जो खरगोश का जो सिंबल रहता है उसमें खरगोश की आकृति बनी होती है। खरगोश की बात इसलिए क्योंकि उस खरगोश ने आकर उसे बचाया है, या फिर वो खरगोश जो एक आंख से अंधा होता है तो एक आंख से देख सकता है, तो हो सकता है कि आयुष्मान खुराना भी एक आंख से देख सकते हैं और वो अंधा बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, एक आंख से उन्हें दिखता होगा, ये भी हो सकता है पॉसिबल कारण। या फिर जब किडनैप हुआ हो तो उसके बाद की कहानी जो हमें नहीं दिखाई गई है तो उस समय हो सकता है उसने ऑपरेशन करवा के अपनी आंखें बनवा ली हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टर की अलग प्लानिंग हो कि इस फिल्म के एंडिंग को ऐसा रखा जाए कि लोग इसके सीक्वल का इंतजार करें और उस सीक्वल में जितनी भी जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, हमें नहीं समझ में आ रही है इस फिल्म को लेकर, वो सारी चीजें वहां पर क्लियर होंगी। मेरे ख्याल से 2-3 कारण हो सकते हैं जहां पर उसकी आंखें ठीक हुई हो, और इसे एक सस्पेंस फिल्म होने के नाते कुछ चीजें आपके दिमाग पर छोड़ दी जाती है, इसीलिए इसे छोड़ दिया गया हो, या फिर इसके सीक्वल का इंतजार करते हैं जो कि शायद मेरे ख्याल से कि इसकी सीक्वल जो बननी चाहिए, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग पर एक क्वेश्चन है कि आयुष्मान खुराना की आंखें ठीक कैसे हुई, कब ठीक हुई इसकी आंखें, ये लोग जरूर जानना चाहेंगे। तो इसके सीक्वल में हो सकता है कि इसकी आंखें ठीक होने की कहानी पूरी तरह से एक्सप्लेन की जाए, ये भी संभव है। तो दोस्तों यही थी आज की टॉपिक की अंधाधुन फिल्म में अंधा का किरदार निभाने वाले जो आयुष्मान खुराना है उनकी आंखें पहले ठीक होती है, फिर आंखें खराब होती है, फिर आंखें ठीक होती है, तो लास्ट में जब आंखें ठीक होती है तो वो कैसे ठीक होती है, इसे ही इस फिल्म में छोड़ दिया गया है जो कि लोगों के बीच क्यूरियोसिटी का विषय है। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, फिल्म के जो पंचेस है, फिल्म के जो छोटे मोटे जो भी सिचुएशंस आते हैं, जो ट्रैक आते हैं, जो मोड है, जो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स है, फिल्म की बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों लाइक और कमेंट करके बताइए वीडियो के बारे में, और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।